जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RPF कॉन्स्टेबल एंड SI फ़ोटो अपलोड के बारे में। गाइज, यहाँ पर अभी तक आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आ रही है फ़ोटो अपलोड करने में। वैसे मैंने इसके बारे में पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, बट उसको देखने के बाद भी आप लोग फ़ोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गाइज, अब मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ जो कि आपका 101% वर्क करेगा अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइज, अगर बिल्कुल ये ऐसा करने के बाद भी आपसे फ़ोटो न अपलोड हो तो आप मेरे भी फोटो अपलोड करा सकते हैं। पर गाइज, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपका फोटो फ्री में अपलोड करके दे रहा हूं, क्योंकि उसमें काफी सारी मेहनत जाती है, तो आप ऐसा मत करिए कि डायरेक्टली मेरे पास आ जाइए। पहले आपको खुद से ट्राई करना ये प्रोसेस। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये अगर आप प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो आपका फोटो 101% अपलोड हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में बात करते कि कैसे आपको इसको अपलोड करना है। उसके पहले आप यहां पर आपके जो सैंपल है वो देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट। यहां पर जो आपको ये सैंपल दिए हैं, ये वो है कि जिस तरह के फोटो आपके अलाउड नहीं है। सनग्लास वाला, हेयर वाला, फोटोग्राफ इज नॉट हैविंग गुड क्लैरिटी, कैप नॉट अलाउड, फुल बॉडी लेंथ फोटो नॉट अलाउड, एनिमेटेड और ड्रॉइंग फोटो नॉट अलाउड, सेल्फी नॉट अलाउड, इसके अलावा ब्लर फोटो नॉट अलाउड, और साथ ही क्लोज्ड आइज नॉट अलाउड, फुल फेस नॉट विजिबल। ये सब जो यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये वो है जो कि यहां पर अलाउड नहीं है। इसलिए आपको यहां पर बिल्कुल अच्छे वाला फोटो अपलोड करना है। अब वो आपको कैसे अपलोड करना है और क्या करना है वो आप समझ लीजिए। अगर आपका फोटो अपलोड ना हो रहा हो तो आपको मैं बताता हूं कि करना क्या है। और गाइज, यहां पर अब मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपकी RPF, SI एंड कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत काम आएगी। इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके लिए एग्जाम दौर RPF, कांस्टेबल एंड SI की प्रिपरेशन करने के लिए एक PDF लेकर के आया है जो कि आप लोग बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकेंगे। नॉर्मल प्राइस इसका 150 है, पर अभी यहां पर आप इसको मात्र 49 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही काफी कम अमाउंट है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं साइंस एंड GK के वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहां पर 4200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप यहां पर इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहां पर NCERT के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपको इस PDF के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो गाइज, आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और बिल्कुल भी चूकिए मत। चाहे आप कहीं और से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप इसको भी लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर लीजिए। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वो लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहां पर गाइज आपका email ID, फोन नंबर और यहां पर नेम दे करके इसको बाय कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके या ईमेल करके जानकारी इसके बारे में और भी ले सकते हैं। तो गाइज, इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप मेरे द्वारा भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जाइए और जल्दी परचेज कर लीजिए। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। अगर आप बिल्कुल प्लेन दीवार के पीछे की व्हाइट है, उसके ऊपर पीछे उसके सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और वो अपलोड कर रहे हैं और वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव करना है वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले गाइज, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसकी लास्ट डेट 14 मई 2024 है। इससे पहले ही आपको इसको कर लेना है। जैसे जैसे और नजदीक आएगी लास्ट डेट, ऐसे ऐसे आपकी फोटो अपलोड करने में और भी ज्यादा दिक्कत आती जाएगी। इसलिए आपको अच्छे से इन चीजों को फॉलो करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आकर के यहां पर ये सभी वीडियोस देख लेंगे जो कि मैंने इसको लेकर के बनाई हैं। उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक करके आप यहां पर इस स्टेप पर आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका फोटो ले लेना है पासपोर्ट साइज का। कैसा, आप उसको किसी से भी क्लिक करा लीजिए। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए फोटो दिखा रहा हूं। तो आपको कुछ इस तरह का फोटो ले लेना है। इस फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट फिर भी ये फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको उसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव करना है और उसको व्हाइट करना है। कैसे करेंगे जान लीजिए। तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है रिमूव बीजे, जो मैंने यहां पर सर्च किया है, सेम लाइन आप गूगल के अंदर सर्च कर दीजिए और फिर जो पहली वेबसाइट आएगी remove.bg, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। अब आप यहां पर सिंपली अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका फोटो है, जिसमें कि आपका चाहे बैकग्राउंड कुछ भी है, वो फोटो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर गाइज, यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो फोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो यहां पर इस तरह से रिमूव हो जाएगा और इसको PNG फॉर्मेट में ये बेसिकली आ जाएगा। तो आप यहां पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आपका फोटो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से ये फोटो आ जाएगा। पर इसका जो फॉर्मेट अभी आया है डाउनलोड होकर के, वो आया है आपका PNG फॉर्मेट में। पर जब आप फोटो को अपलोड
अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ बोला है कि आपका फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। अब आप इसको PNG से JPEG में कन्वर्ट कीजिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, गूगल के अंदर ही PNG टू JPG ये सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद में अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपने फ़ोटो डाउनलोड किया ये वाला ये आप ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से वो फाइल अपलोड होगी। फिर गाइज आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके ऊपर आपने क्लिक किया, अब ये जो फाइल आपकी PNG के अंदर थी वो अब आपकी यहाँ पर JPG में हो चुकी है, जिसका साइज़ 26.4KB हुआ है। अब ये साइज़ आपका 26.4KB इसका हुआ है, वैसे तो 437KB था बट अब 26KB रह गया है, पर आप यहाँ पर देख सकते कि फोटो का साइज 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये फोटो यहां पर अपलोड नहीं होगा क्योंकि इसका जो साइज है वो कम हो गया है। अब आपको उसका साइज भी बढ़ाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इमेज साइज इंक्रीज ये आप सर्च करेंगे। ये सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट आई, इसको आपने ओपन किया, सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक किया, जो अभी आपने इमेज डाउनलोड किया है जिसका बैकग्राउंड हटा हुआ है JPG फॉर्मेट में, ये आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया। एंड गाइज अब आप यहाँ पर जैसे कि रिक्वायर्ड साइज 45 KB आ रहा है, तो आप 30 प्लस कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए, 40, 45, 50, और फिर इंक्रीज साइज़ के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर प्रोसेस होगी, और जो साइज़ आपने यहाँ पर आपका रखा है वही साइज में ये फाइल आ जाएगी। अब मैं इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता हूं, जैसे कि मेरा एक फोटो डेमो के लिए ऑलरेडी अपलोड है। अगर मैं आपको यहां पर फोटो सबसे पहले वो अपलोड करके दिखाऊं जो कि यहां पर जिसका बैकग्राउंड ये वाला है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, और आप देखेंगे यहां से मैंने इसको डन किया। डन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि प्लीज अपलोड ए फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड, तो व्हाइट बैकग्राउंड का यहां पर एरर आया, जिसमें कि पहले से ही फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट था। मैंने आपको यहां पर सैंपल देख के लिए यह बताया ताकि आपको समझ में आए कि यहां क्यों नहीं अपलोड हो रहा था। तो चलिए एक बार फिर से मैं और ट्राई करता हूं। ये फोटो है हमारा, इसका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट वाइट ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रे है। ओपन किया, यहाँ से डन किया, और आप देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है। उसके बाद ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हमने जो यहाँ पर फोटो अपलोड किया था, डाउनलोड किया था व्हाइट बैकग्राउंड में, बट इसका फॉर्मेट PNG था, तो मैंने इसको ओपन किया, आप देखेंगे कि एरर आ रहा है, इसका फॉर्मेट PNG है। अब इसके बाद में हम वो फोटो अपलोड करते हैं जिसका साइज कम हो गया था पर फॉर्मेट बदल गया था, वो भी अपलोड नहीं हुआ। अब यहाँ पर वो फोटो हम अपलोड करते हैं जिसका फॉर्मेट JPG और साइज 45 KB है, ओपन करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको डन किया, और आप देख लीजिए कि हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है बहुत ही आसान तरीके से। तो आ गया ना, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। तो अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे जो कि मैंने आपको बताया, तो आपका फोटो 100% पर आएगा और कोई भी इशू नहीं आएगा। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर भी इसमें ऐसा ही है, आपको व्हाइट पेपर के ऊपर करना है। अगर आपका जो साइन है वो अपलोड नहीं हो रहा, जैसे कि हमारे पास ये साइन है, ये व्हाइट साइन मान लीजिए ग्रे, क्योंकि पेज का कलर यही होता है, हमने इसको डन किया, यहां पर इस तरह से साइन आ गया, पर जब आप इसको सेव करते वो सेव नहीं होता। इसलिए आपको अगर वो सेव हो जाता है ऐसे फॉर्मेट में भी तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं होता है तो आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आपको इस इमेज का साइन वाले बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर वो फिर PNG फॉर्मेट में हो जाए तो फिर आपको उसको यहाँ पर PNG से JPG फॉर्मेट में करना है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, और अगर साइज़ कम हो जाए तो फिर आपको इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके उसका साइज़ बढ़ा लेना है, और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर आपका साइन भी अपलोड कर लेंगे। अगर न हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वैसे यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था। तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए और फॉलो कीजिए और बोल दीजिए कि RPF फोटो प्रॉब्लम। तो ये आप तभी बोलिएगा जब आपने ये सब प्रोसेस फॉलो कर लिया, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, कुछ सारे ऐसे करते हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं करते और सोचते कि फ्री में करने को मिल रहा है तो चलिए यहाँ से करवा लेते हैं। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि यार आपने इतनी जो मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप अपना फॉर्म भर सके, पर अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। अगर ना हो ट्राई करने के बाद भी तब आप मेरे पास आइएगा। सो गाइज इस तरह से आप यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।